सिंगरौली पुलिस ने एक अंधे कत्ल का खुलासा किया तो पुलिस भी चौंक गई। रोज रोज के घरेलू झगड़े और मारपीट से तंग आ चुकी पत्नी ने एक बड़ा फैसला किया और अपने पति की हत्या कर दी। सिंगरौली कोतवाली क्षेत्र के गोभा चौकी के बरतघटा निवासी वीरन गुजर का शव घर से कुछ ही दूर पड़ा मिला। घटना की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने मामले की तफ्तीश प्रारंभ की, लेकिन अंधे कत्ल का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। घटना की रिपोर्ट मृतक की पत्नी कंचन गुजर ने दर्ज कराई थी, तो नए सिरे से तफ्तीश उन्हीं से शुरू की गई। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना करते हुए गवाहों के कथन के आधार पर कंचन गुर्जर से बारीकी से पूछताछ की तो मामले की परतें खुलने लगी। विवेचना के दौरान मृतक की पत्नी कंचन गुर्जर के कथनों में बहुत विरोधाभास था। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तब मृतक की पत्नी ने बताया कि उसका पति वीरन गुर्जर से आए दिन झगड़ा होता था। वीरन गुर्जर उसके साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित करता था। वो अपने पति की पांचवी पत्नी थी। जब अति होने लगी तो उसने पति को ठिकाने लगा दिया। 21 तारीख की बात है, पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक शव पड़ा हुआ है, इसको चोटें हैं। पुलिस ने जाकर मौके पर तो देखा था, गोबा चौकी क्षेत्र की उठती का मामला था। उसके बाद वहाँ पर लगातार पुलिस पतासाजी कर रही थी। पुलिस ने देखा कि इसमें चोट है, तत्काल 302 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया था। मृतक की पहचान बीरेन सिंह गुर्जर के नाम से हुई थी और इसके बाद पुलिस लगातार उस मामले की तहकीकात कर रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी। हमारे एसपी साहब के द्वारा उसमें टीम बनाई गई थी, जिसमें डीएसपी अजय के को, टीआई नवानगर को, टीआई विंध्यनगर को और थाना प्रभारी बैठन को उसमें लगाया गया। और उसमें गंभीरता से जब पूरी पड़ताल की गई, कई चरणों की पूछताछ के बाद ये निकल के आया कि मृतक की पत्नी ने ही मृतक को मारा है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।